हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन जोन में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा सीपीयू। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा माइक्रोचिप। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा आउटपुट। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कंप्यूटर का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, सीपीयू द्वारा। नेक्स्ट है प्रोसेस डेटा को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा प्रोसेस। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सीपीयू का मुख्य घटक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कंप्यूटर की क्षमता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमित। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव मन। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ईडीपी क्या है? इसका पूरा नाम पूछा है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा एकत्रित डेटा को। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, सीपीयू द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट। बी इज द करेक्ट आंसर। अगर पूछी आने वाले डेटा को क्या कहते हैं तो हो जाएगा आउटपुट। इसका राइट आंसर वो हो जाएगा इनपुट। नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा डी, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एटीएम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा बिना स्टाफ के नकदी देने के, कोई स्टाफ नहीं होता उसके अंदर, ऑनलाइन सिस्टम होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डेटा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा प्रोसेसर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रथम गणना यंत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबेक्स। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल, गेम के लिए बना था। नेक्स्ट है किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लेस पास्कल। बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है पंचकार्ड का आरंभ किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कंप्यूटर से सॉरी इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है CRAY क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय पीढ़ी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर क्या क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ, बी इज द करेक्ट आंसर। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना।